वरिष्ठ समाज सेवी इंद्रेश वाल्मीकि के तत्वाधान में कोर रोड स्थित हंसराज ट्रेंडर्स पर विगत 10 दिन से जारी निशुल्क शीतल पेयजल एवं शरबत वितरण शिविर का आज 11 दिन के बाद समापन हुआ। याद दिला दें कि हंसराज परिवार की ओर से वरिष्ठ समाज सेवी इंद्रेश वाल्मीकि के तत्वाधान में विगत 21 वर्षों से यहां शरबत एवं पेयजल वितरण शिविर आयोजित किया जाता है, जहां भीषण गर्मी में लोग राहत महसूस करते हैं। निशुल्क शीतल पेयजल एवं शरबत वितरण शिविर के विषय में जानकारी देते हुए अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के प्रदेश अध्यक्ष मयंक हंसराज ने सिटी चैनल संवाददाता को बताया। आज हमारे प्रतिष्ठान एम हंसराज ट्रेडर्स कोर्ट रोड एवं प्रदेश कार्यालय अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत पर वरिष्ठ समाज सेवी श्री इंद्रेश वाल्मीकि जी की ओर से साहू राम स्वरूप वाल्मीकि जी एवं शीला देवी जी की पुण्य स्मृति में जो विगत 11 दिवसीय आज सन 2022 में 21वां जो वार्षिक ज्येष्ठ माह का 11 दिनों का शरबत वितरण कार्यक्रम वरिष्ठ समाज सेवी श्री इंद्रेश वाल्मीकि जी की ओर से चलाया जाता है, जिसका शुभारंभ विगत दिनों में 11 दिवस पहले किया गया था, उसका आज समापन एम हंसराज ट्रेडर्स पर किया गया। इसी कार्यक्रम को जो वर्ष भर में विशिष्ट सामाजिक धार्मिक एवं अन्य मानवता की तृप्ति हेतु जो अन्य कार्यक्रम किए जाते हैं समाज सेवा हेतु वरिष्ठ समाज सेवी इंद्रेश वाल्मीकि जी की ओर से, उन सभी में मैं आपको चैनल के माध्यम से सादर आमंत्रित करता हूँ, महानगर वासियों को, देशवासियों को। वह इस कार्यक्रम के आज समापन के साथ साथ यह संदेश भी आपको देना चाहता हूँ, यह कार्यक्रम माँ गंगा के अवतरण के पावन दिवस ज्येष्ठ माह के ज्येष्ठ दशहरा के उपलक्ष्य में किया जाता है, जो आगामी ज्येष्ठ दशहरा के पावन पर माँ गंगा अवतरण के पावन पर्व पर भंडारे के आयोजन के साथ साथ एक दिवसीय शरबत वितरण कार्यक्रम अभी और होना निहित है, जो वरिष्ठ समाज सेवी श्री इंद्रेश वाल्मीकि जी की ओर से, उस कार्यक्रम में भी मैं आप सभी महानगरवासियों देशवासियों को सादर आमंत्रित करता हूं। इस कार्यक्रम में विभिन्न व्यापारी बंधुओं ने सेवा भाव से, जो कि एम हंसराज ट्रेडर्स इंद्रेश वाल्मीकि जी की ओर सौजन्य से किया गया कार्यक्रम में सभी व्यापारी बंधुओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, जिसमें मुख्य रूप से तत्सती धवन बिल्ले भाई, नरेश दिवाकर जी, कमल दिवाकर जी, रामचंद्र मेहरा जी, महेंद्र सक्सेना जी और मुख्य रूप से इस कार्यक्रम की जो पूरी संरचना को मुख्य कार्यक्रम आयोजक राज्य सफाई कर्मचारी आयोग में प्रदेश प्रतिनिधि तौर पर उत्तर प्रदेश शासन में कार्यरत आशीष गौरव हंसराज जी ने इस कार्यक्रम को मुख्य रूप से आयोजक की भूमिका में इस कार्यक्रम की संरचना को बनाने का चलाने का जो कार्य किया। रोज यह भीषण गर्मी में यह कार्यक्रम भीषण दोपहर में यह चलाया जा रहा था, क्योंकि यह कोर्ट रोड पूरे मंडल का जो हमारा नागरिक है, हमारे विभिन्न जिलों से आने वाले हमारे जो सम्मानित गणमान्य नागरिक है वो इसी रोड से गुजरते हैं, और भीषण गर्मी में जो शरबत ने जलजीरे ने जो उनको राहत पहुंचाने का काम किया है, निश्चित ही हंसराज परिवार की ओर से वरिष्ठ समाज सेवी इंद्रेश वाल्मीकि जी की ओर से मानवता की तृप्ति के लिए जो समय समय पर ये कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उससे समाज में एक ऐसा संदेश जाता है, ऐसी प्रेरणाओं का संचार होता है, जिससे समाज में सामाजिक धर्मार्थ कार्यक्रम चलते रहने चाहिए। ऐसे ही इस कार्यक्रम की संरचना में धर्मार्थ समाज सेविका श्रीमती लक्ष्मी देवी जी की प्रेरणाओं से यह कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं, जिसमें चाहे शिवरात्रि पर होने वाले कार्यक्रम हो, सावन के दशहरे सावन के माह में होने वाले कार्यक्रम हो, या भगवान वाल्मीकि प्रकट महोत्सव पे होने वाले कार्यक्रम हो, उन सभी में मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं। और जिस तरह से सभी महानगर वासियों ने इससे राहत गर्मी में राहत पहुंचाने का काम इस कार्यक्रम ने किया है, आने वाले समय में मैं सभी कार्यक्रमों में आपको आमंत्रित करते हुए और इस आशा के साथ वरिष्ठ समाज सेवी इंद्रेश वाल्मीकि जी के संदेश को आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं कि आप सभी उन सभी में सादर आमंत्रित भी हैं, सेवा भाव से भी उन कार्यक्रमों से जुड़े और धर्मार्थ मानवता के लिए बढ़ चढ़ करके समाज में काम करें। जय भीम, जय वाल्मीकि, जय भारत, जय संविधान, वंदे मातरम, भारत माता की जय।